हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहे। आज और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो आज आप चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने घर का गार्डन कि टेरेस पे हमने किस तरह से गार्डन बनाया हुआ है। ये है यहाँ पर हमारा टेरेस। तो ये देखिए यहाँ छत पे क्या क्या लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए भिंडी लगा रखी है काफ़ी सारी गमलों में, और भी है भिंडी में। देखो फूल भी आ चुका है और इसमें भिंडी भी लग रही है। कल पापा जी ने यहाँ से भिंडी तोड़ी भी थी जिसकी हमने सब्जी बनाई, तो यहाँ अभी भी लगी हुई है काफ़ी सारी भिंडी आ रही है इसमें, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये पुदीना लगा हुआ है बहुत ही सुंदर, और है ये नींबू का पेड़, इसमें नींबू भी आ रहे हैं। ये देखिए एक तो इतना बड़ा लग रहा है, और इधर भी भिंडी ही लगी हुई है, कड़ी पत्ता। यहाँ पर बैंगन भी लगे हुए थे, इसमें बैंगन भी काफ़ी सारे आ रहे थे, अभी इस टाइम तो नहीं है। और ये तो पता नहीं मुझे क्या लगा हुआ है, और ये कड़ी पत्ता है इतना बड़ा। बाकी और भी थोड़े से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जैसे एक ये भी पेड़ है। तो ये है हमारा टेरेस का गार्डन। यहाँ सर्दियों में जब जैसे जैसे जिस सीज़न की सब्ज़ी होती है वही सब्ज़ियाँ यहाँ पर हम गमलों में उगाते हैं, बहुत ही अच्छे से उग जाती हैं। और तो चलिए आइए अब हम चलते हैं नीचे। और ये देखिए हमारे बेटे ने अपने सारे खिलौने फैला रखे हैं और भी रखे हैं, अभी वो उसने बचाए हुए, बाकी यहाँ पर सारे खिलौने फैलाए हुए हैं मिक्स करके। और ये देखिए हमारी बुआ, आज गुरु पूर्णिमा है तो इसलिए सुबह ही सुबह गंगा जी नहा के आ चुकी हैं यहाँ पर। ये नहीं देखो बुआ जी सुबह सुबह नहा के आ गई गंगा जी, है ना? मजा आया ना के? हर की पौड़ी नहा के आई है भाई सुबह सुबह। बुआ ये बैठी हैं हमारी सासू माँ, नहा के आई हैं अभी जस्ट। पैर अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, प्लास्टर कट चुका है, बट अभी इसकी सिकाई वगैरह चल रही है, पूरी तरह से ये सही नहीं है थोड़ी सी। हेलो, कैसे हो आप सब? बोल तो हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दे। आप कैसे हो? राम राम जी। और हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मम्मी जी ने जैसे बोला है तो इनके कहने पे प्लीज़ हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। हाँ हल्का सा लगाना नमक मिर्च ना, बहुत हल्का सा, हल्का लगाना नहीं, ज़्यादा मत लगाना। तो ये देखिए हम भुट्टा लेके आए हैं और अब हम भुट्टा खाएंगे सफर में। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार से घनसाली। क्या हुआ वेदांत? अथर्वी बैठा हुआ है पीछे। भुट्टा बहुत ही मीठा है, बहुत बढ़िया। ये देखें यहाँ पहुंच गए हम मंदिर पे, यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से रूट डाइवर्ट हो जाता है, एक इधर साइड वाला जाता है गंगोत्री और इधर जाता है बद्रीनाथ के लिए। ये माता रानी का मंदिर है, जय माता रानी। और यहाँ से हम चले जाएंगे ऊपर। पेंटिंग कितनी अच्छी हो रखी है इसमें, मंदिर पे यहाँ पर पेंटिंग हो रखी है कितनी सुंदर सुंदर। बादल
और भी है काफी सुंदर सुंदर। थोड़ा स्लो ड्राइव करो। काफी सुंदर सुंदर बनी हुई है भाई। ये देखिए हम एक जगह रास्ते में रुके हैं। यहाँ हाइट से ये जो व्यू दिख रहा है सारा ऋषिकेश का है। ये सारा ऋषिकेश है। ये नाइट में बहुत सुंदर दिखता है, लाइट ही लाइट चमकती हैं यहाँ पर सारी। ये दिन का है बट यहाँ पे अभी वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। रोड के टर्न देखिए आप किस तरह से है, बिल्कुल राउंड राउंड यहाँ से घूमी हुई है। ये पहुंच गए हम टिहरी लेक मजिला। छोटे झूला बड़ा झूला, छोटे झूला छोटा झूला। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर हम रुके थे रास्ते में, तो ये आपको दिख रही होगी बर्ड अभी अपने घोंसले में ही है। बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी, सेम पेड़ के कलर की है ग्रीन। देखती हूँ मैं थोड़ा और पास जाकर आपको। वो तो उड़ गई भाई हैं। मैदान दिख रहा है, अथर्व भी आ गया डांस कर रहा। हम पहुंचने वाले हैं घनसाली, तो चलिए मिलते हैं अब इवनिंग में। ओके हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम बनाएंगे कमल ककड़ी डिनर में। तो आइए आज हम शेयर करेंगे आपके साथ कमल ककड़ी की रेसिपी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमने एक प्लेट में रख लिया है और उसके बाद हम लेंगे एक नाइफ और एक चाहिए हमें पिलर। पिलर कहाँ है ढूंढते हैं जरा हम। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से छील लेंगे। पूरी कमल ककड़ी को अच्छे से इस तरह से हम छीलेंगे। इसकी सब्जी बहुत ही पौष्टिक होती है, बहुत अच्छी होती है हमारी बॉडी के लिए, इसे हमने खाना चाहिए। इसकी सब्जी भी बनती है और साथ में इसकी पकौड़ी भी बनती है। आप चाहें तो इसकी पकौड़ी चिप्स भी बना करके खा सकते हैं, चिप्स भी इसके बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से हम इसको पूरे को अच्छी तरह से छील लेंगे। इसको छीलने के बाद अच्छी तरह से वॉश करेंगे। ये देखिए अच्छे से छील चुकी है, ये जो साइडें हैं इसको हम निकाल देंगे। और अब इसको धुल के इसको इक्वल पार्ट्स में काट लेंगे। इसको हमने धुल लिया है और इस तरह से हम इसको इक्वल पार्ट में कट कर लेंगे। पूरे को जब हम अच्छी तरह से कट कर लेंगे तो इसको एक कुकर में डालेंगे और हल्का सा इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालकर इसको बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको पूरी तरह से बॉईल नहीं करेंगे, इसको हम हाफ बॉईल करेंगे।
और उसके बाद सब्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इतना प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद हम सब्जी बनाएंगे। तो ये देखिए कमल ककड़ी कट के हो गई है तैयार। और अब हम लेंगे कुकर, इसको कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम डाल देंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालेंगे, लगभग हमने आधा चम्मच सॉल्ट डाल दिया है, क्योंकि जब हम सब्जी बनाएंगे जब डालेंगे इसका जो पानी है, इसको बॉईल करने के बाद हम पानी सारा निकाल देंगे। तो बस अब हम इसमें लगा देंगे कुकर में ढककर। और गैस पे 3-4 सीटी मतलब हाफ बॉईल, आपका कुकर छोटा है या बड़ा है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें सीटी लगा सकते हैं। तो बस ये जब तक होता है तब तक हम इसके मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। इसको प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर हम तैयार करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हो गई है बॉईल, और इसका जो पानी है इसको सारे को हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसी कुकर में हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारा पानी रिमूव करके कमल ककड़ी को एक प्लेट में निकाल लिया है। और इसके साथ हम ऐड करते हैं आलू। तो यहाँ पर हमने स्मॉल साइज़ के 4 आलू चॉप किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसमें साथ में चाहिए बनाने के लिए टमाटो प्यूरी, 2 टमाटर की टमाटो प्यूरी बना करके तैयार की है। और यहाँ पर एक लार्ज साइज़ का ऑनियन चॉप किया हुआ है, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो आइए आगे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गैस पर रख लिया है हमने कुकर, और इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। ये डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये देखिए तेल यहाँ पर हो चुका है गर्म। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग के बाद डालेंगे हम यहाँ पर जो जिंजर गार्लिक का हमने पेस्ट तैयार किया हुआ है, उसको ऐड करेंगे इसमें। उसको ऐड करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे चॉप ऑनियन, जो हमने चॉप करके ऑनियन रखा हुआ है उसको ऐड कर देंगे। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और इसको चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज यहाँ पर हो चुका है गोल्डन ब्राउन। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, और फिर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, आपको कितना तीखा रखना है। और यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, और उसके बाद ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर पूरी रखी हुई है। साथ में हम डाल देंगे इसमें से थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। मसालों को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से, और इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए। तो यहाँ पर डाल दिया है हमने नमक, और हम मसाले को अच्छी तरह से भुनने देंगे। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, जब तक कि तेल अच्छे से ना छोड़ दे, मसाले से अलग ना हो जाए, जब तक प्रॉपर मसाला भुन करके तैयार नहीं होता है, तो हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, पूरी तरह मसाले से ऑयल पूरी तरह से अलग हो गया है। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से मसाला भुना है। यहाँ पर मसाला जितनी अच्छी तरह से भुनेगा सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। और अब हम इसमें डाल देंगे ये जो सब्जी रखी हुई है, इसको इसमें डाल देंगे मसाले में। इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको प्रॉपर मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए बिना पानी ढके सिम गैस पे इसको अच्छी तरह से भुनने देंगे मसाले में। तो अभी हम इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे, बस इसके ऊपर ये कैप लगा देंगे, कुकर का ढक्कन रख देंगे, और इसको अच्छी तरह से भुनने देंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए। इस बीच में आप इसको 1 से 2 बार चला सकते हैं ताकि सब्जी नीचे लगे नहीं। उसके बाद हम आगे इसमें बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये सब्जी अच्छे से भुन गई है पूरी तरह। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे इसमें पानी। पानी आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो गरम पानी यूज करेंगे। आप पानी इसमें इतना डालिए जितना आपको इसमें ग्रेवी बना करके
तैयार करना है, क्योंकि 2 से 3 सीटी में सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी, क्योंकि विश जो है वो हाफ डन है। और यहाँ पर हम देखिए इस तरह से पानी रखेंगे, आप थोड़ा सा चाय और ऐड कर सकते हैं, आप अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं, इसमें 2 से 3 सीटी मार लेंगे और हमारी भी इसकी सब्जी बन करके हो जाएगी तैयार। और देखिए यहाँ पर प्रेशर नहीं निकला है अभी, ये देखिए भिस की सब्जी कितनी सुंदर इसमें कलर आया है। यहाँ पर हमने कोई कश्मीरी मिर्च कुछ भी यूज नहीं किया है। और यहाँ पर डालेंगे अब हम फाइनली थोड़ा सा गरम मसाला और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और भिस की सब्जी बन करके हो गई है तैयार। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं चॉप किया हुआ धनिया। तो बस अब हम बनाएंगे चपाती और भिस की सब्जी को करेंगे इंजॉय। और ये देखिए हमारी थाली लग चुकी है। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए इसका रिव्यू भी देख लेते हैं अपने बेटे से। ये थाली मैंने अपने बेटे के लिए तैयार की है, तो चलिए देखते हैं वो खाने के बाद क्या बोलता है। वेदांत ने खाना स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं वेदांत खाने के बाद क्या बोलते हैं। कैसा लग रहा है वेदांत? ओके बाय बाय। आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।